गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। एज यू नो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर 3 इज गोइंग ऑन। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज कम बैक मिस्टर सन। मिस्टर सन, वापस आ जाओ। हैव यू एवर इमेजिन कि अगर सन अपना वर्क करना बंद कर दे, जैसे हम लोग करते हैं ना कभी कभी, हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अपना वर्क हम आज नहीं करते हैं, अपना होमवर्क हम डिले कर देते हैं। तो सेम थिंग अगर सन करे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ओके, सो हमने कुछ इस पे रीड किया था एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या होगा इफ सन गोज अवे। अगर सन चला जाता है तो हम सबको बोलना पड़ेगा कि कम बैक मिस्टर सन। स्टूडेंट्स, as we studied our chapter 3 come back mr sun is going on, is chapter mein humne study kiya tha ki sun ne ye decide kiya tha ki wo aaj work nahi karega, work means mein wo rise nahi karega, theek hai na। to sun rise nahi hota to kya kya cheeze ho jati hain, wo imaginary condition isme show ki gayi hai, theek hai। to next fir kya hota hai, it becomes very quiet on earth, ठीक है ना। हमारी अर्थ पर बिल्कुल क्वाइट, शांति छा जाती है, ठीक है ना। अगर सन अपना वर्क बंद कर देता है करना, वो राइज नहीं होता, तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अर्थ बिल्कुल क्वाइट हो जाती है, एवरीथिंग कम्स टू ए स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल मीन्स सब कुछ एकदम से स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना, सब कुछ रुक जाता है, स्टैंड स्टिल हो जाता है। हाउएवर मिस्टर स्नो इज़ वेरी हैप्पी। लेकिन जो मिस्टर स्नो है, यानी कि जो हमारी बर्फ होती है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। वाई? स्नो बोलती है, नाउ मिस्टर सन कैन नॉट मेल्ट मी। जो मिस्टर सन है वो मुझको मेल्ट नहीं कर सकते। आई विल मेक द अर्थ कोल्ड, और मैं जो अर्थ है उसको बिल्कुल कोल्ड कर दूँगी, ठंडा कर दूँगी, ठीक है ना। अगर हमारा सन नहीं होगा तो क्या होगा, जो स्नो होगी वो भी मेल्ट नहीं होगी, और फिर पूरे उसमें क्या हो जाएगा, अर्थ में बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा। इट गेट्स वेरी कोल्ड एंड इट बिगिन्स टू स्नो, और स्नो होने लगती है, ठीक है ना। द वॉटर इन द पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स फ्रीजेस। और जो वॉटर होता है पॉन्ड्स में, हमारी लेक्स में, झीलों में और रिवर्स में, वो क्या होने लगता है, फ्रीज होने लगता है, जमने लगता है, ठीक है ना। हम देख रहे हैं ना कि सन हमारा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर सन नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जो हमारा वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा सारा, है ना, जो भी हमारा पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स में वाटर होता है। देन अर्थ क्या बोलती है, ओ डियर आई होप मिस्टर सन कम्स बैक सून, ठीक है ना। तो अर्थ जब कोल्ड होने लगती है, ठंड होने लगती है, तो अर्थ कहती है कि ओ डियर आई होप मिस्टर सन कम्स बैक सून, कि जो मिस्टर सन हैं वो जल्दी से कम बैक मीन्स वापस आ जाएँ। After some time, Mr. Sun looks down to see what everybody is doing. ठीक है ना, after some time, थोड़ी देर बाद Mr. Sun देखते हैं, it looks down, वो नीचे देखते हैं कि क्या, what everybody is doing, कि सब लोग क्या कर रहे हैं, what everybody is doing. He is shocked, और वो बहुत ज़्यादा shocked हो जाते हैं। Mr. Sun, oh, everything has come to a stop, I must shine again. अरे सब कुछ स्टॉप हो गया है, रुक गया है, मुझे दोबारा से शाइन करना पड़ेगा। आई मस्ट शाइन अगेन, मुझे दोबारा से शाइन करना चाहिए, ठीक है ना। जब मिस्टर सन देखते हैं कि मैं शाइन नहीं कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें जो हैं वो रुक गई हैं, स्टैंड स्टिल हो गई हैं, सब कुछ जो है न, मतलब अर्थ बिल्कुल कोल्ड हो गई है, वाटर फ्रीज हो गया है। सो सन को लगता है कि मुझको जो है वो शॉक हो जाता है कि नहीं, मुझको शाइन करना चाहिए। स्लोली मिस्टर सन कम्स आउट, और फिर धीरे धीरे जो मिस्टर सन है वो कम्स आउट, बाहर आते हैं। मिस्टर स्नो फील्स हॉट एंड गोज अवे, और जो स्नो होती है इट फील्स हॉट, इसको गर्मी लगती है, और ये इट गोज अवे, ये चली जाती है। द फ्लावर्स बिगिन टू स्माइल, और जो फ्लावर्स होते हैं वो स्माइल करना स्टार्ट कर देते हैं। द पीजन फाइंड्स फूड फॉर हर चीक्स, और जो हमारे पीजन होते हैं वो अपने चिक्स के लिए फूड फाइंड करने के लिए निकल जाते हैं। द स्क्वायरल्स बिगिन टू जंप एंड प्ले, स्क्वायरल्स जंप करने लगती हैं, प्ले करना स्टार्ट कर देती हैं। वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन कम आउट ऑफ देयर होम्स,
और जो वुमेन मैन और चिल्ड्रन हैं वो अपनी होम से बाहर आ जाते हैं. द गर्ल गोज टू प्ले फुटबॉल. गर्ल अपना फुटबॉल प्ले करने के लिए चली जाती है एंड एवरीवन बिकम्स हैप्पी. एवरीवन इज हैप्पी. सबको सब लोग खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों को ये समझ में आया है कि हम लोगों को अपना वर्क जो है वो रेगुलर करना चाहिए. हम लोग भी तो ये सोचते हैं कि चलो आज हम वर्क नहीं करते हैं, हम तो कल करेंगे, है ना. ऐसे हम लोग थिंकिंग रखते हैं ना. तो देखिए, अगर सब अपना वर्क करना छोड़ देंगे तो सिचुएशंस कितनी वर्स्ट सिचुएशंस हो जाती हैं, बैड टू वर्स्ट सिचुएशंस हो जाती हैं. जैसे सन ने शाइन करना छोड़ दिया था तो कितनी प्रॉब्लम्स आ गई थी, है ना. तो ऐसे ही हम लोगों को भी अपना रेगुलर वर्क करना चाहिए, ठीक है. नाउ व्हाट्स योर होमवर्क टुडे. आप लोग सब इंडेक्स बनाएंगे. मैंने आपको सब इंडेक्स बनाना, जैसे आप लोग पहले चैप्टर्स में बनाते आ रहे हैं, सेम एज इट इज़ आप लोग सब इंडेक्स बनाएंगे.